हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाप ऑफ टेक्निकल में। आज आप सीखने वाले हैं कि इस वीडियो में MBR और GPT क्या होता है। आप लैपटॉप और डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हार्ड डिस्क का फॉर्मेट GPT है या MBR। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये विंडो में जाके सर्च बॉक्स में आप डिस्क मैनेजमेंट करके टाइप करो। ये जो सबसे पहले आपको क्रिएट दिख रहा है उस पर आप क्लिक करो और करते ही आप देखो डिस्क मैनेजमेंट का पेज ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे जो भी मेरे हार्ड डिस्क का पार्टीशन वो शो कर रहे हैं। तो मेरे पास दो हार्ड डिस्क है, एक SSD है एक और नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, और दोनों 1TB का है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम दिखाते हैं फर्स्ट वाले को। इस पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाओ, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद ये जनरल पॉलिसी और ये वॉल्यूम करके आ रहा है। यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करो आप, और देख सकते हो यहाँ पे आपको GPT दिखा रहा है, यानी आपका हार्ड ड्राइव का जो फॉर्मेट है वो GPT में है। तो ये काफ़ी ईजी है जानना। और ये सेकेंड वाला भी हम बता देते हैं आपको कि वॉल्यूम में जाओ और देखो आप सेकेंड वाला भी GPT। तो देखा दोस्तों, ये काफ़ी इजी है जानना कि आपका MBR है कि GPT। अक्सर हम फॉर्मेट मारते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा फॉर्मेट हार्ड डिस्क का MBR सपोर्ट करेगा कि GPT। तो आप ऐसे जान सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।